फैसले अब लिए गए हैं जिसमें T+0 सेटलमेंट समेत कई फैसले शामिल भी हैं। और इसी खबर को आइए समझ लेते हैं। पहले हमारे साथ सहयोगी अनुराग शाह हैं। अनुराग, T+0 सेटलमेंट जो कि सभी बोर्ड बैठक में ऐलान किया गया है, इसके अलावा और क्या कुछ निर्णय हुए हैं बताएं। सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में ढेर सारे फैसले लिए हैं और उनका फोकस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ही है। T+0 सेटलमेंट यानी सेम डे सेटलमेंट, जिस दिन आपने शेयर खरीदे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिस दिन आपने शेयर बेचे वो जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। शुरुआत इसकी 25 स्क्रिप्ट के साथ होगी और 3 महीने बाद और 6 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट है, जो कंपनी IPO लेके आना चाहती है वहां पर 20% मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है, वहां पर छूट दी गई है। तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स अगर किया जाता है वो 20% की लिमिट को पहुंचने में, तो कंपनियां IPO लेके आ सकती है, इसमें भी सेबी के द्वारा छूट दी गई है। इसके अलावा एक और जो FPIs है, जो विदेशी निवेशक है, उनको एडिशनल डिस्क्लोजर्स की शर्तें, सख्त शर्तें जो सेबी के द्वारा लागू की गई थी अगस्त 2023 के अंदर, वहां पे ढील दी गई है कि अगर कोई एक बड़ा प्रमोटर नहीं है तो एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं देने होंगे। इसके अलावा 1% जो कुल IPO साइज जो होता है उसका 1% सिक्योरिटी के रूप में रखना होता था IPO के वक्त, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये कंपनियां जो IPO लेके आ रही है उनके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा जो बोर्ड के अंदर जो बड़े पदों को भर्ती पूरी करने की जो अवधि होती थी उसे बढ़ा के 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने की टाइमलाइन कर दी गई है। बोर्ड मीटिंग की जो सूचना देने का पहले जो नियम था वो अलग अलग था, उसे अब एक स्टैंडर्ड कर दिया गया है। 2 दिन पहले जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उससे जुड़ी हुई सूचना पब्लिक को देनी होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंप्लाइंस करना होता था, मार्केट कैपिटलाइजेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, वहां पर भी सेबी के द्वारा छूट दी गई है। तो 6 महीने का जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 31 दिसंबर को, उसके आधार पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के नियमों को मानना होगा। फिर AIF की जो लिक्विडेशन होता है वहां पर नियमों में ढील दी गई है। तो ढेर सारे फैसले बोर्ड मीटिंग में लिए गए जिसका फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। शुक्रिया अनुराग। लेकिन चलिए, और भी पहलू हैं इस खबर के जो हमें समझ लेने चाहिए एक एक्सपर्ट के द्वारा। और सेबी ने जो फैसले यहाँ पर लिए हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं। प्रॉफिट मा सिक्योरिटीज़ के अविनाश को रक्षकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका IT9 स्वदेश पर। तो सबसे पहले तो T+0 ट्रायल वर्जन को जो मंजूरी मिली है अविनाश, इसका पूरा इम्पैक्ट खासतौर से ब्रोकर के लिहाज से आप कैसे देखते हैं पड़ता हुआ? नहीं देखिए, ये जो T+0 का सेटलमेंट है ये तो इनिशियली मेरे ख्याल से लिमिटेड स्कोप पे चलेगा। इसका एक रिव्यू बाद में रेगुलेटर लेगा, बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि सेबी चाहती है कि जो ट्रांजैक्शन टाइम है वो बेसिकली कम हो जाए, जल्द से जल्द जो इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, और अगर पैसा बेचने का भी होगा तभी भी वो इमीडिएटली उनको पैसा उनके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ब्रोकर्स के लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत इन द शॉर्ट टर्म दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम एक बार सिस्टम आ जाता है, मेरे ख्याल से ये सारे रेगुलेटरी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो है ब्रोकर को करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस इंडियन इक्विटी मार्केट्स में और थोड़ा बढ़ेगा। निवेशकों को कंफर्ट रहेगा कि उसी दिन को उनको शेयर मिलेंगे, बेचने के समय भी पैसा उनको एकदम तुरंत मिलेगा। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली एक बार ये सिस्टम स्टेबलाइज होता है तो बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स को इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इट विल हेल्प ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, बट डेफिनेटली ये कैसे प्रोग्रेस होगा, अभी फिलहाल तो 25 स्टॉक्स के साथ ये काम करेंगे तो मेरे ख्याल से सारे लोग देखेंगे पहले कैसा यह सिस्टम वर्क होता है, इसमें क्या दिक्कतें होती है, बट नेट नेट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इसका फायदा इन्वेस्टर्स को होना चाहिए। उनको हालांकि रिव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन IPO नियमों की बात करते हैं, यहाँ पर जो ढील दी गई है अविनाश, 20% से कम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पर भी IPO लाने की छूट है, क्या लगता है अब इसके वजह से या इसके बाद से IPO आगे ज्यादा आएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से 20% से कम का जो कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली IPOs में पब्लिक निवेश करेगी, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक अच्छा कदम है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, जो भी कंपनी में प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मार्केट पसंद आता है। 20% का जो
वो मेरे ख्याल से एक या दो आईपीओ ट्राई करने के बाद ही और उसका रिस्पॉन्स छाती के बाद पता चलेगा। बट डेफिनेटली सेबी चाहती है कि मोर एंड मोर प्रमोटर्स कैपिटल मार्केट या माध्यम यूज करें, तो इसलिए इन्होंने ये छूट दिए। अभी ये कैसे वर्कआउट होगा, कितनी सक्सेसफुल होगा, ये मेरे ख्याल से एक दो आईपीओ आने के बाद ही आपको पता चलेगा। बट डेफिनेटली इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी इससे मार्केट्स में कोई बड़ी उछाल या कोई बड़ी वाइब्रेंसी आएगी। दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म मेजर्स जो अगले एक दो साल के बाद ही इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, शुक्रिया अविनाश, आपने समय निकाला और विस्तार से इन मामलों पर हमसे बातचीत की। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।